हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मिस्टर सिंह रहने वाले हैं हरियाणा के, और काफ़ी खुश मिजाज आदमी है। जब भी कभी फ़ोन करते थे वो काफ़ी हंसते हुए बात करते थे, और कभी कभी वीडियो कॉल भी करते थे। पिछले 1.5-2 साल से हमारे साथ वो संपर्क में थे और धोलेरा की बारे में पूछते रहते थे। तो 2 साल के बाद वो धोलेरा आए थे और विजिट करके हमारे ऑफिस में आए। जब उनको मैं देखा तो उनका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था और काफ़ी मायूस थे। मैंने पूछा, सिंह साहब आपने विजिट करके आ गए? तो उन्होंने बोले, हाँ मैं विजिट करके आ गया। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताए जो पहले बताए नहीं थे। उन्होंने बोले, प्रभात जी मैं 2 साल पहले ही धोलेरा में प्लॉट खरीद लिया था। मैं पूछा, कहाँ पे, कौन सी कंपनी से खरीदे? तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले कोई सेल्स का बंदा था जो उनके एरिया में धोलेरा के बारे में प्रचार कर रहा था और उनको वहाँ मिला था, और धोलेरा के अच्छे अच्छे वीडियो उनको दिखाया था, और दिखाने के बाद उनको तभी क्या बताया था कि धोलेरा सिटी के अंदर 8 से 9 लाख में प्लॉट मिल रहे हैं, और इनका सिटी को लग के बिल्कुल नज़दीक में एक डेवलपिंग एरिया में प्रोजेक्ट है जहाँ पे कि कुछ ऑफर, कुछ स्कीम चल रहे हैं। 1 प्लॉट 1 लाख में उनको तभी दिए थे। तो सिंह साहब ने खुशी खुशी तभी 8 से 9 प्लॉट खरीद लिए थे, और पेमेंट भी तभी उन्होंने पूरा कर दिए थे, लेकिन उन्होंने विजिट नहीं किए थे। और उन्हें क्या लगा था कि चलो 1 लाख में 1 प्लॉट है, बहुत सस्ता है, और ये आराम से 2-3 लाख तो हो ही जाएगा, और जब हो जाएगा तभी बच्चों को एक एक प्लॉट दे देंगे। लेकिन जब वो साइट विजिट किए, यानी धोलेरा देखने के लिए जब आए, उनकी वो सोच पर रह गया, क्योंकि उनको लगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पर भी उन्होंने प्लॉट या ज़मीन लिए हैं, ये प्रोजेक्ट अगले 10 साल तक ऐसा ही रहेगा। क्योंकि SIR के बाहर था, काफ़ी दूरी में था, और जहाँ पे कि रोड रास्ता बिल्कुल नहीं था, बारिश के टाइम उस ज़मीन तक आप पहुँच नहीं पाओगे, और तो और अगले 8 से 9 साल तक उस ज़मीन को आप अपने आप कभी भी किसी को बेच नहीं पाओगे, ना कि वहाँ पे घर बना के रह पाओगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लाइक नहीं है, उसको डेवलप होते होते 20-25 साल भी लग सकता है। तो दोस्तों, उनका जो मिस्टेक रहा वो क्या था? वो था, धोलेरा विजिट उन्होंने नहीं किए थे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि धोलेरा में विजिट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला पॉइंट है, रियल टाइम डेवलपमेंट आपको धोलेरा में दिखता है। यदि आप साइट विजिट करने आते हैं तो आप देख पाओगे कि धोलेरा में कहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, एक्सप्रेस रोड कहाँ से कहाँ तक बनना स्टार्ट हो गया है, और कहाँ एंट्री कर रहा है, कहाँ पे एक्टिवेशन एरिया है, और कहाँ पे रेलवे का ट्रैक है, या कहाँ पे मेट्रो आ सकता है। ये सारे चीज़ आपको एक्चुअल फिजिकली धोलेरा में आज के तारीख में देखने मिलेगा। और साइट विजिट करने के वक्त, या आप जब धोलेरा विजिट करते हैं, तभी यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी विश्वास नहीं है कि धोलेरा बनेगा या नहीं बनेगा, आपको देखने के बाद जरूर विश्वास होगा। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खूब सारे वीडियो दिखा देते हैं कि स्मार्ट सिटी है, दुबई है, सिंगापुर है, ऐसे उनके मन में चलता रहता है कि धोलेरा तो दुबई जैसे बन गया होगा, सिंगापुर जैसे हो गया होगा। लेकिन वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, और जब साइट पे आते हैं एक्चुअली, तभी उनको क्या दिखता है? रियल चीज़ दिखता है। तो उनकी ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस को बराबर बैलेंस कर देता है, तभी वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। और दोस्तों, आप कहीं पे भी हैं, धोलेरा के बारे में अब जब आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, लोगों को पूछते हैं कि धोलेरा में क्या है, क्या बनने वाला है, तो लोगों के पास बहुत स्टोरियां हैं, बहुत कहानियां हैं। आपको ऐसे ऐसे कहानी बताएंगे कि आपने कभी सुना नहीं होगा, ना कि वो ऑथेंटिक भी होगा, और वीडियो भी आपको ऐसे बेहतरीन दिखाएंगे, और फिर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। आपको क्या कहेंगे? सर, आप 10 से 12 हज़ार रुपया डिपॉजिट कर दीजिए, जो एक रिफंडेबल टोकन अमाउंट रहेगा, और ये प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे कि अगले 6-7 दिन का खाली ऑफर है, बाद में ये ऑफर बंद हो जाएगा। तो आपको क्या लगे कि 10,000-5,000 नॉर्मल नॉमिनल अमाउंट है, चलिए हम इसको डिपॉजिट कर देते हैं, और सामने वो कंपनी आपको साइट विजिट, होटल स्टे फ्री करा देता है। तो लोग एक जल्दीबाजी में एक डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो विजिट पे आते हैं तो एक ही कंपनी के साथ विजिट करते हैं,
एक ही कंपनी के साथ होटल में स्टे करते हैं और उनको मजबूरन वहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है। तो आपको इस प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करना है। लेकिन जल्दीबाजी आपको कहाँ करना है, आपको स्मार्ट सिटी के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करना है और कई सारे लोगों से मिलना है और कई सारे आपके बजट को सूट करता हुआ इन्वेंट्री यानी प्लॉट या लैंड फाइंड आउट करना है, फिर उनको जल्दी से जल्दी कंपैरिजन करके एक डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा आपको। क्यों, आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। दो दिन पहले कुछ लोग आए थे जिन्हें सिटी सेंटर में ज़मीन चाहिए था और वो भी 55 मीटर रोड पे। तो हमने पूरे SIR को छान मारा, मुश्किल से दो ही जमीन मिला ऐसे कि पूरे SIR के अंदर खाली दो ही लैंड है जो 55 मीटर पे है और सिटी सेंटर में है। तो उनको क्या लगा कि जो 55 मीटर पे लैंड इन्होंने दिए हैं उसकी डायमेंशन थोड़ा प्रॉपर नहीं है, यानी प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। उनको क्या दिखा, डेप्थ ज्यादा दिखा, चौड़ाई कम लगा। लेकिन दोस्तों आज के तारीख में जो जमीन उनको मिल रहा था सिटी सेंटर में उसकी कीमत क्या था, उसकी कीमत था 4,500 रुपया पर स्क्वायर यार्ड। और एंटायर सिटी में ये दो ही जमीन उनको मिल रहा था जिसमें एक थोड़ा ठीक ठाक था दूसरा थोड़ा अच्छा था। तो जो अच्छा वाला जमीन था उन्होंने यदि 4,500 रुपये में खरीदे होते, अगले महीना या डेढ़ महीने के बाद आप जब चेक करोगे सिटी सेंटर में चाहिए TP2 में या TP1 में, आपको 5,500 या 6,000 का रेट ही मिलेगा। तो कितना का फर्क हो गया, 1,500-2,000 का फर्क हो गया। और लैंड की साइज कितना था, 19,000 के आसपास था। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 3 से 4 करोड़ का डिफरेंस दिखने मिलता है। तो इतनी बड़ी डिफरेंस, इतनी बड़ी अप्रिसिएशन इतना कम टाइम में मिलना मुश्किल है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। यानी स्मार्ट सिटी में कमर्शियल लैंड की जो रेट इतनी जल्दी जल्दी अप्रिशिएट कर रहा है, यदि आपने मन बना है कि यहाँ निवेश करना है और आपके पास फंड है तो आप देर मत करिए। आप यहाँ पे कुछ 25% यानी 1.5-2 करोड़ पे डालते हैं या छोटा जमीन का 25-30 लाख रुपये डालते हैं 25%, और जब सौदा पूरा होते होते आपको 20-30% का अप्रिसिएशन मिलता है और वो बहुत बड़ी रकम होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आप जल्दीबाजी मत करिए, कहाँ से जहाँ बैठे हैं वहाँ से। आप जल्दीबाजी कहाँ करिए, साइट विजिट करिए, साइट पे एक्चुअल लैंड देखिए, लोगों से अलग अलग ऑप्शन को चूज करिए, फिर आप शॉर्टलिस्ट करके इन्वेस्टमेंट करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप धोलेरा आइए, धोलेरा की एटमोसफेयर को फील करिए, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ की हवा और वहाँ की कनेक्टिविटी, ये सब देखिए। और जब टाइम मिलता है तो वहाँ के आसपास के मंदिर है, वहाँ के टूरिज्म प्लेस है वो भी देखिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको यहाँ पे आना है, अपने बिजनेस सेटल करना है या आप अपने एक बंगलो बना के यहाँ पर रिटायरमेंट करना चाहते हैं। ये सारे चीज़ आज के तारीख में आप जब विजिट करेंगे तब उसको इमेजिन कर पाएंगे। कहीं पर भी निवेश करने से पहले धोलेरा के अंदर किसी के थ्रू आप उनसे मिलिए। बिना मिले हम किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। जब हम किसी को पर्सनली मिलते हैं, किसी लोगों के वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन से मैच करता है, हमारी एक अच्छी ट्यूनिंग होता है, तभी हम विश्वास करते हैं और तभी हम वहाँ निवेश करते हैं। प्रोजेक्ट या जमीन सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो आपको एक बढ़िया आदमी मिलना चाहिए जहाँ पर आप विश्वास कर पाएँ, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें। और जब भी कभी प्रोजेक्ट देखते हैं, जमीन देखते हैं, 2 से 4 ऑप्शन जरूर देखिए ताकि आप कंपेयर कर पाओ, क्योंकि रेट के मामले में धोलेरा में आप किसी को विश्वास नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको फिजिकली 4-6 जमीन, 4-6 अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग डेवलपर जब मिलोगे तब आपको एक्चुअल फैक्ट देखने मिलेगा। और दोस्तों जब तक आप साइट विजिट नहीं करोगे, जब तक आप धोलेरा विजिट नहीं करोगे, तब तक आप यहाँ के बारे में एक्सप्लोर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लोर यानी धोलेरा में क्या बेच रहे हैं। धोलेरा में एक तो NA लैंड और एक NA प्लॉट। प्लॉट यानी छोटी जमीन, लैंड यानी बड़ी जमीन को लोग NA करके बेच रहे हैं। तो उनको खर्चा कहाँ पे हो रहा है, उनको खर्चा हो रहा है जमीन को NA करवाने में और प्राण पास में और रेरा में, फिर वो अपना प्रॉफिट जोड़ के आपको बेच रहे हैं।
तो दोस्तों आपको ये दो अपॉर्चुनिटी दिखता है, एक दिखता है एन ए प्लॉट, एक दिखता है एन ए लैंड। लेकिन इसको छोड़ने के बाद और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी धोधरा के अंदर है जो आपको कोई नहीं बताता है, और वो सारे रास्ते हमारे पास है। आप हो सकता है यहाँ पे एक बिल्डर के रूप में काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक पार्टनरशिप के हिसाब से काम कर सकते हैं, या यहाँ पे एक लैंड खरीद के आप उसको बेहतरीन फार्म हाउस बना के डेवलप करके लोगों को बेच सकते हैं और अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे ज़मीनें हैं जहाँ पे बहुत कम प्राइस में ज़मीन मिल जाएगा आपको, और उस ज़मीन को डेवलप करके हम मिलके उसको अच्छे रेट में बेच भी पाएंगे। आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा वहाँ पे, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मौका मिलेगा जो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है, जो मैंने बताया एक तो एन ए लैंड और एन ए प्लॉट। उससे हटके जब आप बाहर जाते हो आपको दिखेगा थोड़ा रिस्क, लेकिन उस रिस्क के पीछे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने का चांस है। तो दोस्तों आप मन बनाइए, कहीं पे भी बैठे हैं और वहां से डिसीजन मत लीजिए। आप स्मार्ट सिटी को विजिट करने के लिए डेट फिक्स करिए, एटलीस्ट 2 दिन का या 3 दिन का, और आप जिससे ही बात किए हैं उसके थ्रू आप स्मार्ट सिटी विजिट करिए, और हो सके तो 1 से 1.5 घंटा हमारे लिए निकालना और हमारे इसी ऑफिस में हम बैठ के चर्चा करेंगे और क्या क्या स्कोप है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए हम आपको प्रपोजल्स दे पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, और हो सके तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि धनेरा के बारे में नया नया क्रिएटिव वीडियो हम लेके आ रहे हैं और वो सारे वीडियो हर किसी के लिए हेल्पफुल है। और आज के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।